हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू रिवॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे एक्जोटिक मेसअप कार्प के बारे में। इन दिस वी डिस्कस अबाउट सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प। सिल्वर कार्प साइंटिफिक नेम हाइपोथैलेमिक्टस मोलाट्रिक्स। सिल्वर कार्प सेपरेटरी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फिश का बॉडी कंप्रेस्ड, स्केल स्मॉल एंड माउथ अपर लोअर जॉ के साथ सब सुपीरियर होता है। इस फिश की आई बॉडी के कंपेयर में स्मॉल होती है, जो बॉडी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे प्रेजेंट होती है। इस फिश के गिल रैकर्स डेंस एंड इंटरलेंस्ड होते हैं, जो स्पॉन्जी सिव मेम्ब्रेन से कवर्ड एंड कनेक्टेड होती है। एब्डोमिनल किल का विस्तार एनस के पेक्टोरल फिन के बेस से होता है। वन रो में 4-4 फेरेंजिकल टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्लैट टूथ का सरफेस फाइन ग्रोव से अटैच्ड होती है। इस फिश के बॉडी का लेंथ इंडस्टाइन के लेंथ से 6-10 टाइम्स बड़ा होता है। अलाइव कंडीशन में बॉडी का कलर सिल्वरी व्हाइट एंड डॉर्सल साइड से डार्क ब्राउन होता है। सिल्वर कार्प का ओरिजिन चाइना से हुआ है एंड इसका सबसे ज्यादा कल्चर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में किया जाता है। इसे 1959 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फिश की हैचिंग 10 टू 12.5 लाख पर हेक्टेयर के रेट से स्टॉक करने पर यह फिश 15 डेज में 25 टू 30 एमएम लेंथ तक ग्रो करती है। चाइना में यह स्पीशीज फर्स्ट ईयर में 150 ग्राम एंड सेकेंड ईयर में 900 ग्राम, थर्ड ईयर में 1800 ग्राम एंड फोर्थ ईयर में 4200 ग्राम तक ग्रो करती है। इस स्पीशीज के मेल एंड फीमेल दोनों 20 मंथ में मैच्योरिटी स्टेज अटेंड करते हैं। सिल्वर कार्प ओनली 11th मंथ में ब्रीडिंग के लिए मैच्योर हो जाता है। ग्रास कार्प साइंटिफिक नेम टिनोफेरिंगेडॉन इडेला। ग्रास कार्प सेपरेटरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस फिश का बॉडी लार्ज, एब्डोमेन राउंड एंड फ्लैट हेड के साथ ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप होता है। इस फिश के स्केल बीक, माउथ इन फ्रंट एंड लोअर जॉ शॉर्टर होता है। इस फिश का आइज स्मॉल एंड गिल रैकर्स छोटे व कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस फिश का फेरेंजिकल टीथ कॉम जैसे होते हैं और यह 2 रो में होते हैं, जिनमें लेफ्ट में 2-5 एंड राइट में 2-4 टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके डॉर्सल फिन छोटे होते हैं। इस फिश के पीछे से डार्क ब्राउन एब्डोमिनल व्हाइट कलर का होता है। ग्रास कार्प एक एक्जोटिक फिश है, जो रिसेंटली इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है। यह स्पीसीज का ग्रोथ रेट फास्ट होता है। फ्राई को 10 टू 12.5 लाख पर हेक्टेयर के रेट से स्टॉक करने पर यह स्पीसीज 15 डेज में 22 टू 27 एमएम लेंथ तक ग्रो करती है। ग्रास कार्प 3 मंथ में 12 सेंटीमीटर एंड 3 ईयर में 73 टू 86 सेंटीमीटर लेंथ तक ग्रो करती है। इसके मेल स्पीसीज 2 ईयर में एंड फीमेल स्पीसीज 1 ईयर में ही मैच्योरिटी स्टेज अटेंड कर लेती है। कॉमन कार्प साइंटिफिक नेम सिप्रिनस कार्पियो। इस स्पीशीज में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एंड नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन वाली फिशेस डेवलप की गई है, जिनमें कॉमन कार्प से मिरर कार्प साइंटिफिक नेम सिप्रिनस कार्पियो कम्युनिस, स्केल कार्प साइंटिफिक नेम सिप्रिनस कार्पियो स्पेकुलरिस, लेदर कार्प साइंटिफिक नेम सिप्रिनस कार्पियो नूडस जैसी स्पीशीज को डेवलप किया गया है। बट लाइन कार्प का न्यू जेनेटिक लाइन कुछ कंट्री में ही डेवलप किया गया है। इस फिश के बॉडी कंप्रेस्ड एंड डॉर्सल साइड आर्क शेप में होता है, जबकि एब्डोमिनल राउंड, माउथ ब्लंट स्नॉट के साथ स्लाइटली डाउनवर्ड एंड अपर जॉ में 2 पेयर बारबल्स के साथ लोअर पेयर थोड़ी बड़ी होती है। इस फिश में लॉन्ग डॉर्सल फिन, थिक एंड बीक स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अलाइव कंडीशन में इसका बॉडी का कलर लिविंग कंडीशन से अलग होता है, पर लिविंग कंडीशन में यूजुअली डॉर्सल साइड डार्क ग्रे या येलोविश ब्राउन एंड लैटरल साइड गोल्डन येलो कलर के होते हैं। इस फिश में कॉडल फिन का अपेक्स लाइनिंग स्लाइटली रेड होता है। थैंक यू।